हेलो दोस्तों, यूनिक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा ऐसे राइटिंग, बड़े मजे के साथ और बड़ी सरलता से आप ऐसे राइटिंग सीखेंगे। स्टूडेंट का कहना है कि सर आप ऐसे नहीं लिखवाते हैं या ऐसे नहीं समझाते हैं, तो देखिए मैं आपके लिए ऐसे लेकर आया हूं, बहुत ही मज़ेदार ऐसे, वंडर ऑफ साइंस। यह ऐसे हर एग्ज़ाम में आता है, 9th, 10th, 11th, 12th और यहाँ तक कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, हर एग्ज़ाम में ऐसे आता ही है। अब कैसे पहचानेंगे कि हम वंडर ऑफ साइंस के ऐसे लिखना है? अगर आपके ऐसे में अगर वंडर ऑफ साइंस लिखा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हो, साइंस इन टुडेज एज, साइंस इन मॉडर्न वर्ल्ड, या साइंस इन मॉडर्न एज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ इज़ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, हाउ टेक्नोलॉजी मेक ह्यूमन लाइफ इजियर, कुछ भी आ जाए, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कहीं भी मशीनरी या कहीं भी साइंस दिख जाए, तो समझ लो आपको वंडर ऑफ साइंस का वहाँ पे ऐसे लिखना है। अगर आपको वहाँ पे आ जाए कि राइट एन आर्टिकल, तो भी ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे तो लिखना ही है। और आप ये लिखा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक, तो भी आपको लिखना है, बस फिर आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम जरा लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि कोई भी जब टॉपिक लिखते हैं, कोई भी ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था होती है। सबसे पहले उसका परिचय होता है, फिर उसके बारे में लिखा जाता है, जिसे हम बॉडी टेक्स्ट कहते हैं, और लास्ट में उसका कंक्लूजन, जिसे उपसंहार कहते हैं। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, कि हम फाइनली क्या सोचे, ठीक है। तो जरा देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, यह तो विज्ञान का युग है। एज मतलब होता है युग। साइंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, विज्ञान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ इजी एंड कम्फर्टेबल, इसने हमारे जीवन को बड़ा सरल और आरामदायक बना दिया है। साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग, विज्ञान एक व्यवस्थित, विज्ञान ज्ञान का और हमारे जीवन का एक व्यवस्थित तरीका है, अंडरस्टैंड। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये साइंटिफिक वंडर्स, वैज्ञानिक चमत्कार। वंडर्स मतलब होता है आश्चर्य, चमत्कार। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल गिफ्ट्स, विज्ञान ने हमें कई आश्चर्यजनक तोहफे दिए हैं। द वेरियस इन्वेंशन ऑफ साइंस आर इट्स वंडर्स, और विज्ञान के जो विविध कई जो चमत्कार हैं, कई जो उसके इन्वेंशन होता है, मतलब होता है उसका इन्वेंशन, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की खोज करना, मतलब यह है कि इन्वेंशन, जैसे कि टेलीविज़न की खोज किसने की, ठीक है, खोज एक्चुअली जैसे उसको बनाना, ठीक है, टेलीविज़न को बनाना इन्वेंशन, इन्वेंशन होता खोज। तो द वेरियस इन्वेंशन ऑफ द साइंस आर इट्स वंडर्स, और विज्ञान के द्वारा जो कई जो खोज की गई हैं, वही उनके चमत्कार हैं। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट साइंस, हम बिना विज्ञान के हम अपने ज़िंदगी को अब कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना करनी नहीं चाहते, क्योंकि साइंस ही हमें एक कंफर्टेबल लाइफ देता है। वेरियस इन्वेंशन, अब देखो जैसे क्या क्या इन्वेंशन हुए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, जो विद्युत है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चमत्कार है विज्ञान का। इट गिव्स अस लाइट, यह हमें लाइट देती है। हीटर्स, फैंस, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स एसेट्रा, और ये सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। ऑल वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे बिजली से ही काम करते हैं। इट ऑल्सो रन्स मशीन एंड ट्रेन्स, और यह मशीनों ट्रेन्स को भी चलाती है। फिर देखते हैं मेडिकल एंड सर्जरी, मेडिसिन और सर्जरी, मतलब यह है कि दवाई और सर्जरी, ऑपरेशन में साइंस का क्या यूज़ है। साइंस हैज़ गिवन वंडरफुल मेडिसिन, विज्ञान ने बड़ी आश्चर्यजनक हमें दवाइयाँ दी हैं। वैक्सीनेशन हेल्प्स अस इन प्रिवेंटिंग डिसीज लाइक पोलियो, जो वैक्सीनेशन है, जो टीके हैं, वो इन प्रिवेंटिंग मतलब होता है रोकना, डिसीज मतलब होता है बीमारियाँ। जो वैक्सीनेशन है, जो दवाइयाँ हैं, वो इस प्रकार के जो टीके हैं, वो बहुत सारी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, कॉलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया एसेट्रा। इट हैज़ ब्रॉट डाउन द डेथ रेट, और वास्तव में इन्होंने जो है, जो दवाइयाँ हैं, इन्होंने मृत्यु दर को एकदम डाउन कर दिया है। मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैव मेड ऑपरेशंस लेस पेनफुल, और जो आधुनिक जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, आधुनिक सर्जिकल उपकरण हैं, सर्जिकल मतलब ऑपरेशन के जो उपकरण हैं, इन्होंने ऑपरेशन को लेस पेनफुल कर दिया है, मतलब कुल मिला के बहुत कम दर्द होगा, अब ऑपरेशन होगा तो बहुत कम दर्द होगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन,
संचार का माध्यम। टुडे वी अम्यूज्ड, हम तो बड़े चकित हैं, अवर शेल बाय वॉचिंग द टेलीविज़न एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑन रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर। हम बड़े चकित हैं जब टीवी पर हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं रेडियो पर और टेप रिकॉर्डर पर, तो हम चकित होते हैं। टेलीविज़न हैज़ बिकम ए पावरफुल मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। टीवी जो है ज्ञान का और शिक्षा का बड़ा सशक्त माध्यम बन चुका है। UGC एंड इग्नू, UGC यूनिवर्सिटी का जो संघ है उसको बोलते हैं इग्नू, इंटरनेशनल जो है, हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को इग्नू बोलते हैं। लेसन ऑन टेलीविज़न, मतलब ये अपने जो लेसन को टेलीविज़न पर दिखाते हैं, और वेरी यूज़फुल, इनके जो लेसन है टेलीविज़न पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प अस टू रीच द डिस्टेंस प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बहुत तेज़ी से, मतलब जो बहुत ही गतिमान आवागमन के जो साधन हैं और कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, हमको बहुत ही कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करते हैं, शॉर्ट टाइम में। उसके बाद विज्ञान के चमत्कार में एक और चीज़ जुड़ जाती है, कंप्यूटर। ये तो इसका कहना चाहिए कि धुरी है, कंप्यूटर जो है विज्ञान के चमत्कार की एक धुरी है। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड द कंप्यूटर, वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया, इसका आविष्कार किया। इट इज़ ए वंडरफुल ना, आविष्कार, इन्वेंटेड का मतलब होता है दोस्तों आविष्कार, खोज नहीं होता, खोज मतलब डिस्कवरी होता है। कंप्यूटर, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इट इज़ ए वंडरफुल इन्वेंशन, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक इन्वेंशन है। कंप्यूटर कैन डू द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वर्क क्विकली, कंप्यूटर जो है बड़ी जटिल गणनाओं को कर सकता है, एंड वर्क क्विकली, और काम बड़े तेज़ी से करता है। दे हैव सॉल्व ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ए मैन, वे आदमी की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ है उसके अगर एडवांटेज होंगे तो ज़रूर डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, हर वस्तु के दो तरफ होते हैं। साइंस टू हैज़ ए डार्क साइड, साइंस का भी एक डार्क साइड भी है, एक अंधेरा तरफ भी है, एक दूसरा पक्ष भी है। द इन्वेंशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ एटम बॉम्ब्स एंड अदर डेंजरस वेपन्स आर ए ग्रेट थ्रेट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कह रहे हैं कि जो आविष्कार हुआ है, आविष्कार और प्रोडक्शन ऑफ एटम बम, जो एटम बम का हमने निर्माण किया है और कई ऐसे खतरनाक हमने हथियार बना लिए हैं, वेपन्स वाले हथियार, द ग्रेट थ्रेट मतलब होता है एक प्रकार का डर, धमकी, एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आगे देखते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन ए सेकेंड, वो दुनिया को मिनटों में, सेकंडों में नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंडली, विग फैक्ट्रीज मिल्स एंड अदर मशीन्स हैव द पॉल्यूटेड द एटमोसफियर, और दुनिया, दूसरी बात, जो फैक्ट्री, मिल और अन्य मशीनों ने जो है वातावरण को पॉल्यूटेड कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्प टू मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी की साइंस काफ़ी मदद करता है। इफ प्रॉपरली यूज इट कैन मेक द लाइफ ऑफ ए मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर, अगर इसका प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो यह आदमी के ज़िंदगी को हेल्दियर और हैप्पियर बना सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये 9th और 10th के बच्चे इस लेसन को, जो टॉपिक है, इसको याद कर सकते हैं इसको, और 11th और 12th के लिए मैं थोड़ा सा और टफ, थोड़ा सा और ज़्यादा टफ मैं बनाऊँगा। इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको पूरा सा, इसकी फ़ोटो खींच के और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, दो पार्ट में, यहाँ फ़ोटो खींच लीजिए और यहाँ फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है, इसको लिखना है दोस्तों आपको। थैंक यू वेरी मच।